अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू हफसास किचन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे तो जी काफ़ी टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं आप लोगों को टेन मिनट्स क्विक रेसिपीज बनाना सिखाऊं तो आज आप लोगों के लिए हाजिर है टेन मिनट्स क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंगली गुड बन के तैयार होती है तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक बोल में दो अंडे तोड़े के डाल देंगे अगर आप लेट हो रहे हैं तो ये ब्रेकफास्ट जो है बहुत ही आसानी के साथ आप बना के तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं अब हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक हजबी जय का या फिर वन 4 स्पून रेड चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर वन फोर्टी स्पून और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब अगर आप लोगों के पास कोई वेजीज अवेलेबल है घर में जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं मैं यहाँ पे ऐड करूंगी वन टेबल स्पून अनियन यानी के प्याज फाइनली चॉप वन टेबल स्पून टोमेटो यानी के टमाटर वन ग्रीन चिली यानी के एक हरी मिर्च छोटी वाली टू टेबल स्पून स्वीट कॉर्न और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब ये ऑप्शनल है मैंने बाद में वजीज इसलिए डाली है अगर आप वजीज को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हम एक कप आटा ले लेंगे यानी कि व्हीट फ्लावर इसमें ऐड कर लेंगे वन फोर टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक या फिर हसबाई का वन फोर टी स्पून शुगर वन टी स्पून देसी घी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे एक कप पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और एक स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे तो देखिए मैंने इसमें एक कप पानी डाल लिया है और इसको एक स्मूथ सा बैटर जो है वो बना के तैयार कर लिया है अब हम पैन ले लेंगे जिसमें हमें अपना पराठा तैयार करना है उस पर थोड़ा सा घी डालेंगे और उसको हर तरफ अच्छे से फैला के पैन को ग्रेस कर लेंगे आप यहाँ पे बटर या फिर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ अब मैं आपको इस एक कप आटे के दो पराठे बनाना सिखाऊंगी क्योंकि मेरा जो पैन है उसका साइज़ बड़ा है इसलिए मैं हाफ़ बैटर जो है वो यहाँ पर डाल दूँगी आपका पेन छोटा हो तो आप तीन बना सकते हैं या फिर चार तो अपने पेन के साइज़ के हिसाब से आप जो बैटर है उसको बोर कीजिएगा और फिर उतने ही पराठे आपके बन के तैयार होंगे इसको अच्छे से पूरे पैन पे फैला लेंगे और इसको कुक होने देंगे जब ये एक तरफ से कुक हो जाएगा तो हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको पकने देंगे तो ये देखिए दूसरी तरफ से जब इस पे थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो इस तरीके से देखिए हम इसको पलट देंगे अब हम इसमें ऐड कर लेंगे घी तो तकरीबन वन टीस्पून घी डाल देंगे मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डाल रही हूँ इस तरफ लेकिन वन टीस्पून में भी बहुत अच्छे से आप अपना जो पराठा है उसको पका सकते हैं अब देखिए हम इसको इस तरीके से अच्छे से सेंक लेंगे तो देखिए ये कितने खूबसूरत तरीके से पराठा जो है वो फूल रहा है हमने आटा भी नहीं गूँधा बैटर बना के पराठा बनाया है और फिर भी इतना ख़ूबसूरत सा पराठा बन के तैयार हो रहा है इसको पलट लेंगे और फिर हम इसके ऊपर अंडे का हाफ़ मिक्सचर जो है वो डाल देंगे तो जी जब मैं अंडा डाल रही थी तो मेरा जो कैमरा है उसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई तो इस वजह से अंडे का सीन जो है वो आप लोगों को नहीं दिख रहा तो सिंपल मैंने इसके ऊपर हाफ़ अंडे का मिक्सचर डाला है और अब हम इसको इस तरीके से देखिए पलट लेंगे अच्छे से दूसरी तरफ से जहाँ हमने अंडा डाला है उसको पकाएंगे तो जब अंडा कुक हो जाएगा तो हम पराठे को इस तरीके से पलट लेंगे और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा मॉचवाला चीज़ जो है वो डाल देंगे या फिर अगर आप लोगों के घर में कोई चीज़ का स्लाइस अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे लाइक दिस या तो फिर इस तरीके से मेरी तरह पूरा इस तरीके से फ़ोल्ड कर ले तो आप देखिए कितना हसीन सा पराठा बन के तैयार हुआ है जो कि टेस्ट में भी एकदम अमेजिंग है तो अंडा पराठा जो है बेसिकली बनाना थोड़ा मुश्किल लग गया आप लोगों को रोटी वगैरह बनाना नहीं आती लेकिन इसको तो कोई भी बना सकता है ना तो बहुत ही आसानी के साथ आप ये ब्रेकफास्ट जो है वो इंजॉय कर सकते हैं अब इसी तरीके से हम दूसरा पराठा जो है वो भी बना लेंगे और इसको इस तरीके से घी डाल के थोड़ा सा सेंक लेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कोटिंग आ जाए क्रंच की तो देखिए पराठा कैसे फूल रहा है सबसे बेस्ट पार्ट तो मुझे पराठे का यही लग रहा है तो ये काफी अच्छा बन के तैयार होता है तो एक तरफ से जब आप इसको अच्छे से पका लेंगे तो तब आपको इसके ऊपर अंडे का हाफ मिक्सचर जो बचा हुआ है वो भी डाल लेना है अंडा डालते ही आप इसको इक्वली स्प्रेड कर दे पूरे पराठे पे और जब अंडा सेट हो जाए तो पराठे को इस तरीके से पलटें देखें कि जब आप पराठा उठाएं तो जो अनकुकड अंडा है वो डायरेक्टली पैन में जाके कर और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये वाला पराठा भी बनके तैयार हुआ है तो मैंने पहले जो पराठा फ़ोल्ड किया था उसको पराठे की तरफ़ से फ़ोल्ड किया था अब मैं इसको अंडे की तरफ से फ़ोल्ड करूँगी तो ये देखिएगा इसके ऊपर हम अब पराठे के ऊपर चीज़ डाल देंगे अगर चीज़ ना भी डालें तो भी बहुत ही मज़ेदार सा ये अंडा पराठा बन के तैयार होगा तो चीज़ के बगैर भी ये बहुत अच्छा बनेगा अब हम इसको इस तरीके से अंडे की तरफ़ से फ़ोल्ड कर लेंगे तो मैंने आप लोगों को दोनों तरीके जो हैं वो बता दिए हैं फोल्डिंग के जो आपको ज़्यादा पसंद आए आप वो तरीके को फॉलो कर लीजिए ये देखिए इस तरीके से कितना हसीन लग रहा है तो अब दोनों पराँठे जो है वो तैयार हो चुके हैं तो हम इसको गयम गर्म सर्विंग डिश में निकाल लेंगे तो तैयार है बहुत ही ज़बरदस्त सा टेन मिनट अंडा पराठा अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई तो आप मेरी एक और रेसिपी जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट मंथ अंडे पराठे की बनाना सिखाई थी वो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा और इस रेसिपी को हम सर्व करेंगे अपने फेवरेट सॉस के साथ तो मैं यहाँ पर इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ आप यहाँ पर इसको मेयनीस चटनी रायते या फिर किसी लेफ़्ट ओवर सालन या फिर सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज देखते रहिए अल्लाह हाफिज़